नमस्ते प्रवीण सुराना की प्रणाम। विश्व एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहा है जिसकी कोई तोड़ नहीं मिल रही है, परंतु हम लोग जो होम्योपैथ हैं, उन्होंने संसार में एक ऐसा वायरस का एंटीडोज बनाने का सरल कामिया हमें मालूम है। हम बताना चाहते हैं, फिर से याद करना चाहते हैं। सबसे पहली दवा है कैम्फर। कैम्फर दवा ऐसी है जो सभी वायरस को न्यूट्रल कर देती है और अचानक परिणाम आते हैं और रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। कैम्फर को रिपीट भी किया जा सकता है और कैम्फर भयंकर बुखार को तोड़ती है, वायरस को तोड़ती है, शरीर के कोई भी ऐसे वायरस जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसको समाप्त करती है। दूसरा डोज नक्स वोमिका का आता है, वो भी ऐसी ही है जो नक्स सारे सारे के सारे पापों का नाश करती है और सारे रोगों का नाश करती है। तीसरी दवाई है इन्फ्लुएंजा लिनम, फ्लू की दवाई है और फ्लू का दवाई का उपयोग जरूर होना चाहिए यदि फ्लू लगा हो तो। अभी अभी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि असली वायरस का इसका असली अटैक कैसे होता है, क्या कर रहे हैं। टीवी मीडिया से मालूम पड़ रहा है कि सारा खेल जो है फ्लू का लगता है। अभी जो चाइना के अंदर जो डॉक्टर साहब काम कर रहे थे उनका निवेदन तो मिक्स रेमेडी में था। इंडिया में भी जो लोगों ने ठीक किया है मिक्स रेमेडी से किया है। वैसे भी संसार के अंदर किसी भी रोग की चिकित्सा सिम्टोमेटिक होती है, एक व्यक्ति के ऊपर एक जैसा प्रभाव होता है ऐसा मान ही नहीं सकते। कोरोना का मालूम नहीं है क्या है, परंतु सर्दी खांसी वगैरह की बातें करते हैं, परंतु सर्दी खांसी कोरोना नहीं हो सकता। यदि सर्दी खांसी कोरोना है तो हिंदुस्तान के अंदर कोई रोग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो आम आदमी को हिंदुस्तान में होता है और ठीक हो जाते हैं, पर कोरोना होने के बाद में ठीक नहीं होता है, ऐसी मान्यता भ्रमजनित भी हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संसार के सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, होम्योपैथ, होम्योपैथी डॉक्टर्स, होम्योपैथी संस्थाएं, होम्योपैथी टीम ये नक्की करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसका एंटीवायरस बनाए। होम्योपैथी ढंग से दी और एंटीवायरस बन गया तो इसकी साइड इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि हमारा मूलतया सिद्धांत है सिमिलिया का, उसमें विपरीत असर करता है। यदि विष देंगे तो अमृत बन जाएगा, कोनियम का विष देते हैं तो अमृत बन जाता है। होम्योपैथी ढंग से यदि उसको पोटेंटाइज करेंगे तो, मैं बार बार ऐसे रोगों का नाम, ऐसे विष का नाम बताता हूं जो देखने में बहुत बड़े विष हैं, परंतु होम्योपैथी में वो अमृत का काम करते हैं। कोरोना की, कोरोना ही नहीं, आने वाले समय में सभी रोगों के प्रति विष बन सकते हैं, होम्योपैथी में बनेंगे और बनने वाले भी हैं। होम्योपैथ धीरे ठंडे क्यों बैठे मुझे मालूम नहीं है। कुछ लोग अपने आप चिकित्साएं कर रहे हैं। सुना है संकरण ने जर्मनी में लोगों को संदेश भेजा है कि कैम्फर का उपयोग करें। अरे कैसे करना है, उसके बाद में कौन सी दवाई है, क्या है वो बताएं। एक दवाई का नाम होने से क्या होगा, स्टेप बाय असर होना चाहिए। प्रवीण सोना के प्रणाम। इस वीडियो को संसार के लोग तुरंत समझे, सुने कि एंटीवायरस कैसे बनता है, क्यों बनेगा, और आगे की वीडियो देखें। प्रणाम।